तुम्हारी बेटी खरीदनी है मुझे। ए? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि पैसे बताओ कितने चाहिए, जितने बोलोगे उतने दे दूंगा। पापा मुझे ये आदमी ना पागल वागल लग रहा है, जाओ तुम यहाँ से। पागल नहीं हूं मैं, ये देखो। कितना पैसा है? जितना बोलोगे उतना दे दूंगा। पापा देख क्या रहे हो, भगाओ ना इसको यहाँ से। अरे बेटी देख ना, कितने सारे पैसे, ये थोड़े नहीं है, बहुत पैसे हैं। देख क्या कहीं आप एक अनजान आदमी को मुझे बेचने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे इतने पैसों से तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। पापा आपकी बेटी हूँ मैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, ये पकड़ो अपने पैसे और दफा हो यहाँ से। अरे शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा। और जो ये तेरे को लाइफ दे सकता ना, मैं कभी नहीं दे सकता, और ना ही कभी इससे अच्छा लड़का मैं तेरी शादी के लिए ढूंढ पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। पापा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बेटे क्या आपने पूरी जिंदगी ये सड़क के किनारे दुकान पे ये सामान बेच के ऐसे ही निकाल देगी क्या? देख मैं तेरा बाप हूँ, तेरा अच्छा चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। आप मेरा अच्छा नहीं चाहते, आप खुद का अच्छा चाहते हो। आप चाहते हो कि जिंदगी भर आपको कोई काम ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, और घर बैठकर फ्री में दारू मिलती रहे। देखो अगर ये डील मंजूर है तो बताओ, नहीं तो मेरा दिमाग भी बदल सकता है। मेरे को मंजूर है, मंजूर है। पापा अब बहुत पछताओगे। रखो पैसे तुम, और ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी डील है, और तुम चलो, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब से ये तुम्हारा घर है। कैसा है? ठीक है। अच्छा ये ना तुम्हारे लिए। क्या है ये? इसमें ड्रेस है तुम्हारे लिए, और अब से वो रूम तुम्हारा है, उसमें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। तुम ये पहन के रेडी हो जाओ, फिर हम डिनर के लिए चलेंगे। जब तक मैं भी रेडी हो गया आता हूँ। इसको क्या लगता है ये मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाए? कभी भी नहीं। कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और ऐसा लग रहा है कि ये ड्रेस बनी तुम्हारे लिए है। चले तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सच बताऊं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं। पसंद? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, तुम मुझे पसंद कैसे करते हो? तुम नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। पिछले 2 महीने से मैं तुम्हारी शॉप के बाहर आके मैं देखता रहता था, लेकिन कभी सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं हुई। खरीदने की हिम्मत तो हो गई? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, मैंने बस तुम्हें तुम्हारे पापा से बचाया है। वो पूरा दिन दारू पी के पड़े रहते हैं, कोई भी आके तुमसे बदतमीजी कर जाता है, कुछ भी बोल देता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा तो मुझे बुरा लगता था कि कितने ही लड़के तुम्हें गंदी नजरों से देखते रहते थे,
वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा से ही अलग कर दिया। पर मैं क्यों? तुम तो अच्छे खासे दिखते हो, पैसे वाले भी हो, कोई भी मिल जाती तुम्हें, कोई मॉडर्न सी अमीर लड़की। अमीर मिल जाती, लेकिन उनके दिमाग में ना पैसा ही रहता है, उन्हें मटेरियल चीजें खुशी रहती है, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं हूं? जो लड़की अपने पापा के लिए इतने एफर्ट कर सकती है, जबकि उनके पापा तो उसे परेशान करते हैं, दारू पी के पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, वो उनके लिए इतनी मेहनत कर सकती है, उनका साथ नहीं छोड़ रही। सोचो अगर उस लड़की को कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो उसकी केयर करे, उससे प्यार करे, तो उसके लिए क्या क्या कर सकती है, उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगी वो। और तुम जैसी लड़कियां ना घर को स्वर्ग बना देती हो, और मुझे उस स्वर्ग में तुम्हारे साथ रहना है। मुझे तो लगा था कि तुम उन लड़कों में से हो जो लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और लड़कियों को मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बट तुम्हारी मर्जी से। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ और तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए। मेरे पास तुम्हें चांस देने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। अच्छा बताओ क्या खाओगी?